नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खून कैसे चढ़ाया जाता है, उसके फायदे और नुकसान के बारे में, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हिंदी में हम बोलते हैं रक्तदान, आम बोलचाल की भाषा में इसे बोलते हैं खून चढ़ाना। तो रक्तदान से प्राप्त लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को किसी व्यक्ति के शरीर में चढ़ाने की प्रक्रिया को ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्तदान कहते हैं। ट्रोमा, खून बहने का विकार या ऑपरेशन के कारण खून अधिक बह जाना वगैरह परेशानियों के लिए खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और खून चढ़ाने की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब शरीर खुद किसी कारण से आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त रक्त या रक्त के अन्य घटक बनाने में सक्षम नहीं होता है। तो खून चढ़ाने के लिए आमतौर पर खून दान करने वाले स्वैच्छिक रक्तदाताओं से एकत्रित किया जाता है और दान किए गए खून की गहन जाँच होती है ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन वाले खून को न चढ़ाया जा सके। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि खून चढ़ाना क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि खून चढ़ाने की ज़रूरत जो है वो किसे होती है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि खून चढ़ाना क्या होता है। तो दोस्तों, खून चढ़ाना एक मेडिकल प्रक्रिया होती है जिसमें दान किया गया खून एक पतली नली से आपके हाथ की नस में चढ़ाया जाता है और इस प्रक्रिया से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। अगर किसी को चोट या किसी ऑपरेशन की वजह से खून अधिक बह जाता है तो इस प्रक्रिया को खून चढ़ाकर उसे बचाया जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया आमतौर पर बिना किसी जटिलता के हो जाती है और अगर कभी जटिलता होती भी है तो वो बहुत कम होती है। लोगों को कई कारणों से खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि चोट लगना, ऑपरेशन के दौरान या ब्लीडिंग संबंधी विकार वगैरह। खून के कुछ घटक होते हैं जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएँ जो कि ऑक्सीजन को शरीर में धारण करती है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं, प्लाज्मा जो कि खून का तरल भाग होता है और प्लेटलेट जो कि सही से ब्लड क्लोट होने में मदद करता है। तो ट्रांसफ्यूज़न या रक्त आदान आपके शरीर को ज़रूरत पड़ने वाले घटक जो है वो प्रदान करता है। लाल रक्त कोशिकाएं सबसे अधिक चढ़ाई जाने वाली घटक है। आपको सारे घटक एक साथ मौजूद हो इस तरह का खून भी चढ़ाया जा सकता है, किंतु ऐसे कम किया जाता है। शोधकर्ता कृत्रिम रक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु अब तक मानव रक्त का कोई उचित विकल्प नहीं मिला है। तो जब किसी को भी खून चढ़ाया जाता है तो यह देखा जाता है कि उसका खून कौन से प्रकार का है, जैसे कि AB या फिर O। अगर किसी को गलत खून चढ़ा दिया जाता है तो शरीर की एंटीबॉडीज इसे हस्तक्षेप समझकर हमला करती है, जिससे परेशानियां हो सकती हैं। लगभग 40% लोगों का खून ओ समूह का होता है, जो लगभग अधिकांश लोगों को चढ़ाया जा सकता है। अगर आपका समूह ओ है तो आपके समूह के लोगों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और अगर आपका रक्त समूह AB है तो आपको किसी भी समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है, और इसीलिए आपके समूह के लोगों को यूनिवर्सल रेसिपियंट कहा जाता है। अगर आपका RH मान नेगेटिव है तो आप RH नेगेटिव मान वाला ही खून ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी प्रक्रिया की, यानी कि इसके प्रोसीजर की, तो दोस्तों खून चढ़ाने की प्रक्रिया या रक्तदान प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी जाती है और आपसे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। आपके रक्त समूह को जांचने के लिए रक्त का नमूना लिया जाता है और आपको केवल वही रक्त चढ़ाया जाता है जो आपके रक्त समूह के किसी भी व्यक्ति के लिए सुरक्षित हो। दोस्तों, खून चढ़ाने के दौरान आपको बेड पर सुला दिया जाता है या चेयर पर बिठाया जाता है। आपकी बांह या हाथ में एक सुई चुभाई जाती है और इस सुई को एक ब्लड बैग की नली से जोड़ा जाता है और नली से होता हुआ खून आपकी नसों में आता है और एक ब्लड के बैग को चढ़ाने के लिए लगभग 4 घंटे तक लग सकते हैं। यदि आप गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं या आपको बहुत अधिक रक्त की ज़रूरत नहीं है तो इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद आराम से आप घर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके फायदे की बात करें तो खून चढ़ाकर पूरी दुनिया में हर दिन हजारों रोगियों की जान बचाई जाती है। नाड़ियों से खून निकालने के कारण बहने वाले खून की पूर्ति खून चढ़ाकर की जा सकती है। लाल रक्त कोशिकाओं को चढ़ाकर रक्त में ऑक्सीजन की कमी पूरी की जा सकती है। कीमोथेरेपी करवाने वाले रोगी को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पूरी की जा सकती है या ऑपरेशन के कारण खून बह जाने की पूर्ति भी की जा सकती है। प्लाज्मा जो है वो रक्त के थक्के जमाने की क्षमता बनाए रखकर हीमोफिलेक्स यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें रक्त के थक्के नहीं जमते तो उसको एक सामान्य जीवन जीने में मदद करता है, और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है जो कि निश्चित इन्फेक्शन के जोखिम वाले व्यक्ति को निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन का एक प्रकार होता है जो कि एंटीबॉडी की तरह काम करता है। दोस्तों, खून चढ़ाना आधुनिक चिकित्सा का एक उपयोगी अंग बन चुका है, किंतु जब ज़रूरत हो तभी खून चढ़ाया जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके नुकसान की, तो खून चढ़ाना वैसे तो एक सुरक्षित प्रक्रिया मानी जाती है, किंतु फिर भी कुछ रोगियों को इससे असुविधा हो सकती है। तो खून चढ़ाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, बुखार, खुजली, सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द या फिर ब्लड प्रेशर में अचानक कमी आ जाना।
और ये हल्के साइड इफेक्ट सभी रोगियों को नहीं प्रभावित करते हैं और यदि आपको सही खून चढ़ाया गया हो तब भी ये प्रभाव हो सकते हैं। अगर गलत प्रकार का खून चढ़ा दिया जाता है तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इस बात की संभावना ना के बराबर है क्योंकि खून चढ़ाने से पहले अच्छे से जाँच की जाती है। दोस्तों ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है, आपके लिए कौन सी चिकित्सा सही है इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करके ही आपको निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।